हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राज्य में प्रथम स्थान पर है राज्य संबंध जिला, स्वीकृत कार्यों के टेंडर प्रक्रिया जल्द संपादित करें, जिला कलेक्टर। राज्य संबंध जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे जल जीवन मिशन तथा DMFT के माध्यम से घर घर पेयजल वितरण करने के स्वीकृत कार्यों की टेंडर प्रक्रिया जल्द संपादित करें तथा घर घर पेयजल वितरण के जल कल्याणकारी कार्य को पूरा करने में अपने दायित्व का निर्वहन करें। जिला कलेक्टर शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जल जीवन मिशन की आयोजित बैठक में अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। बैठक में जिला परिषद के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर दिनेश राय सापेला, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता विनोद बिहारी शर्मा सहित संबंधित अधिकारीगण उपस्थित थे। जिला कलेक्टर ने जलदाय विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकार द्वारा संचालित इस महत्वाकांक्षी योजना में 100% लक्ष्य प्राप्त करें और गांव दाणियों का भ्रमण कर वास्तविक हालतों का भलीभांति अवलोकन करने के पश्चात ही प्रस्तावों को तैयार करें, जिससे जरूरतमंद गांवों को इसका स्थायी लाभ मिल सके। आगामी 31 मार्च से पूर्व सभी कार्यों के कार्यदर्शी जारी करें, जिससे गर्मी के मौसम में टैंकरों पर निर्भर नहीं रहना पड़े। उन्होंने कहा कि टैंकरों की संख्या में कमी आने पर ही इस योजना की सफलता परिलक्षित होगी। बैठक में अधीक्षण अभियंता ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में वर्तमान में कुल निर्धारित लक्ष्य 2,17,117 घरेलू जल संबंध के विरुद्ध अब तक 94,085 जल संबंधी जारी किए जाकर 43% उपलब्धि पर राज्य संबंध जिला राज्य में प्रथम पायदान पर है तथा 20 सूत्री कार्यक्रम वर्ष 2021 से 2022 के तहत 40,893 जल संबंधों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके विरुद्ध अब तक 3,996 जल संबंधी जारी किए जा चुके हैं। जिले के 1,042 राजस्व ग्रामों में से 2,093 ग्राम मेजर प्रोजेक्ट में आते हैं, जिसमें से 2,049 ग्राम बजट घोषणा अंतर्गत चंबल परियोजना से लाभान्वित किए जाएंगे। इनकी प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृतियों का कार्य प्रक्रियाधीन है तथा 44 ग्रामों के लिए बाघेरी परियोजना पुनः गठन के तहत 133.48 करोड़ की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृतियां जारी की जाकर निविदा प्रक्रियाधीन है। इसमें देलवाड़ा, खमनोर तथा रेलमगरा पंचायत समिति के ग्रामों को हर घर नल योजना से लाभान्वित किया जाएगा। बैठक में इसके अलावा ग्राम जल स्वास्थ्य स्वच्छता व पोषण समिति के पुनः गठन व ग्राम कार्य योजना, जिला कार्य योजना, विद्यालयों व आंगनवाड़ियों में पेयजल पाइपलाइन से टेप कनेक्शन करने व टांका से पेयजल उपलब्ध कराने, जनता जल योजना व स्वजल धारा योजना, कौशल विकास गतिविधियों व जिला जल एवं स्वच्छता मिशन आदि के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। जल जीवन मिशन दिशा निर्देशिका का विमोचन। इस अवसर पर जिला कलेक्टर तथा अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने जल जीवन मिशन दिशा निर्देशिका पुस्तिका का जिले में विमोचन किया। इस पुस्तक में जल जीवन मिशन के उद्देश्य तथा कार्यप्रणाली से संबंधित संपूर्ण जानकारी का समावेश किया गया है। जागरूक टीवी के राज्य संबंध से नरेंद्र सिंह खंगारोद की रिपोर्ट।